शुरुआत है भाई स्नो से, ठीक है। ये देख लो स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं, स्नोफ्लेक्स ये देखो पैंगोंग लेक में स्नोफ्लेक्स जून में भी आ रहे हैं भाई। इतना स्नो जून में मिल रहा है, क्यों भाई? बढ़िया मजा आ रहा है ना। निमिता स्नो देख ली? थोड़ी सी है, ये तो अच्छी वाली तो बाद में देखेंगे। अयन भाई यू विटनेसिंग स्नो? देखी मेरी अंग्रेजी है? मेरा चश्मा तो दे दो, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी में? तो है स्नो तो देख लो यार, इंजॉय करो ना। वाह, जून का महीना स्नो करे शोर। देखो भाई स्नो पड़ रही है जून में, थोड़ी थोड़ी है यहाँ पे। जैसे ही रिजांगला वगैरह में हम पहुँचेंगे तब मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगी। बादल देखो, ये देखो गाड़ी के अंदर ही स्नो आ रही है, ये देखो स्नो 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 भाई स्नो। और पैंगोंग लेक का व्यू, हम जा रहे हैं रिजांगला, चुशुल और हनले। रोड है कुछ ऐसा, बढ़िया लग रहा है रोड देखने में। जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं स्नो तेज़ हो रही है, देखते हैं क्या नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये बालक हमारे आए हैं पहली बार स्नो देख रहे हैं, ये देखो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों भाई बालकों, सही एक्सपीरियंस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये ट्रिप पूरा मेमोरेबल ट्रिप बन गया है इनको। एक ही बार में जून में स्नो भी मिल गई, सारा इन्होंने लद्दाख एक ही बार में कवर कर लिया, स्नो पीक माउंटेन्स भी ऊपर दिख रहे हैं। वाओ वाओ फैक्टर आ रहा है पूरा, हर तरफ वाओ ही वाओ है। वो देखो ऊपर भाई बादल पूरे घंगोर होते जा रहे हैं, वो सामने तो सीधे डायरेक्ट ही नीचे को बरस रहे हैं। सही मजा आ रहा है, रोड बिल्कुल साफ है और क्लियर है। कोई आता तो है नहीं, टूर ट्रैवलर्स ही आते हैं इस रोड पे, टूरिस्ट मुझे नहीं दिखे क्योंकि टूरिस्ट भीड़ में जाते हैं, ट्रैवलर्स बिना भीड़ की जगह पे जाते हैं। और जो हम जा रहे हैं वो देखो जी व्यूज कितने अच्छे हैं। पैंगोंग का स्टार्टिंग पॉइंट तो सब दिखाते हैं, मैं तुम्हें एंड पॉइंट दिखाता हूँ। ये एंड पॉइंट है पैंगोंग का, जहाँ इस टाइम पूरी स्नो हो रही है, वहाँ पे तो पूरी बरखे स्नो हो रही है। देख रहे हो बादल बिल्कुल सीधा ही बरस रहा है नीचे को, और वो बिल्कुल पैंगोंग का एंड है भैया। उसके आगे अंदर को तो हम जा ही नहीं सकते, बियॉन्ड लिमिट है वो वाली जगह हमारे लिए। तो यहाँ पे आर्मी बैठी है, आर्मी के कैंप्स हैं लगे हुए, और हम तो भाई यहाँ आके एक रास्ता ये चला गया, एक रास्ता वो है, समझ नहीं आ रही हमें कहाँ को जाना है। भाई बोर्ड भी नहीं कोई लगा हुआ ना किसी साइड, सालों ने अपना बोर्ड लगा दिए कि हमारा यहाँ पे ये है, ये नहीं लगा रहे कि कहाँ जाना है। रास्तों का भी लगा दो ना, है ही नहीं कुछ यहाँ पे। पूछते हैं किसी से चलो एक बार, वो गाड़ी तो उधर को गई है एक। तो भाई ये है चुशुल गाँव, ठीक है। चुशुल गाँव में सिग्नल आते हैं, आप आराम से यहाँ पे फोन वोन कर सकते हो, और व्यूज भी अच्छे हैं यहाँ पे। एंट्री उंट्री कुछ नहीं, टेंशन अपना आराम से निकलो घूमो रिजांगला में। पहुंच के अब बताता हूँ, आप भी बोलो बोकी की कसर रह गई थी। चलो तो भाई चुशुल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिल जाता है कच्चा रोड, कच्चा रोड, कच्चा रोड। ये देखो जिसको हम कहते हैं ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड, पूरा ही कच्चा रोड है। अपनी टीम धूल मिट्टी उड़ाती जा रही है, कुछ कुछ मोरी प्लेन्स जैसा लग रहा है मुझे। ये जब इसमें रोड बन जाएगा तो ये मोरी प्लेन्स ही लगेगा, पूरा कच्चा रोड है। सो भाई रोड भी नहीं है, कोई बात नहीं खुद देखेंगे ना। ड्रैग रेस होने वाली है भाइयों की, मैं बोलने वाला हूँ जी 3 2 1। आयुष ले गया तो ले जाना था उसमें। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आयुष आगे चला गया। अरे आयुष की बीएचपी भी ज्यादा है ना, इधर उतार लो। हाँ नीचे उतार लो आप, रास्ता बदल गया सामने। हाँ यार रास्ता खराब था, यहाँ ड्रैग रेस हो ही नहीं सकती थी, ड्रैग रेस कैंसल, दोबारा करनी पड़ेगी। रिजांगला आ गया भाई सामने, पोस्ट है और नीचे वॉर मेमोरियल है। यस यस यस, नीचे वॉर मेमोरियल है, ऊपर रिजांगला पोस्ट है। चलो जी सही है, रिजांगला पहुंच गया। पूरा मिट्टी वाला रोड है यार, बाइकर्स की तो बहुत ऐसी तैसी हो जाती होगी यहाँ पे यार, जो हिसाब है इस जगह का। तो यार यहाँ पर ना वीडियो अलाउड नहीं है बनानी, इसलिए बाहर आके बना रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या, ठीक है। यहाँ पर शहीद स्मारक है, ये वाली चोटी पे लड़ाई हुई थी, इसके आगे
मुखबरी टॉप है बेसिकली, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, आगे से दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ये सबको इतिहास बताया जाता है। अब जितने लोग आओगे आर्मी के जवान आपको पूरा इतिहास बताएंगे, उस लड़ाई के बारे में समझाएंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे, 13-14 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। सो ये एरिया वहाँ वीडियो दिखाया जाता है। यहाँ पे शहीदी स्मारक है, वो ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो मुखबरी टॉप है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, शैतान सिंह जी वहाँ शहीद हुए थे। 120 जवानों ने कम से कम 1000 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को हटा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। सो भाई ये देख लो, हमारे वीर जवानों की शहादत की जगह है, तीरथ से कम नहीं है ये जगह। यहाँ मुझे लगता है पक्का आपको आना चाहिए, फॉर श्योर 100% आना चाहिए अहीर धाम, क्योंकि अहीर इसलिए क्योंकि अहीर जाति के सबसे ज़्यादा लोग थे जिनकी डेथ हुई थी, 111 लोग अहीर जाति के ही थे। यहाँ पे ना जो जवान है उनकी डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, डेथ नहीं कह सकते, जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं, मैं वो आपको ना नाम दिखा के लाता हूँ। तिरंगा लहराता हुआ देख रहे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ना मन मतलब फील क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा, बट बोलना क्या चाह रहा है समझ नहीं आ रहा, बट हाँ ये ज़रूर समझ आ रहा है कि उस समय की कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, और मुझे लगता है कि रिसोर्सेज अगर होते तो सिचुएशन और बेटर हो जाती, बट अभी भी अपने जवानों ने छोड़ा नहीं, जीत गए। ये है वो जगह जहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, सारे शहीदों के नाम आप पढ़ सकते हो, अहीर जाति के सबसे ज़्यादा लोग थे इनमें जिनकी शहादत हुई है। ये आपकी स्क्रीन पे सारे शहीदों के नाम है, पॉज करके चाहे पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 13 शहीदी स्मारक हैं, 13 नंबर बीच वाला है, बाकी सारे साइड वाले हैं, और ऊपर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। वाह यार, हर हर महादेव। भाई अगर रिजांगला से आगे जा रहे हो तो ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक सा रोड है, कच्चा पूरा। अभी पीछे एक आंटी थे, उनका टायर फट गया दोनों गाड़ी के, एक साइड गई और स्टपनी एक होती है, आपको पता है। सो ध्यान रखना यहाँ पे, कभी भी अकेले मत आना, और आओ तो भाई अपना बैकअप लेके आना, क्योंकि रोड इस तरह के हैं कुछ कि यहाँ कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा आपको, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली खाली है। हम भी बस चले हुए हैं, हमारे साथ कॉन्वॉय है, तो इस वजह से हमारा भी एक टायर है नहीं, एक ही, अब हमारे पास 4 ही टायर है, 5 होने चाहिए बेसिकली। सो जो 6 ला सकता है तो भाई 6 ले आओ इस रोड के लिए, तो सेम बाइक वालों के लिए भी है भाई, एक्स्ट्रा टायर लेके चलना, पंचर किट लेके चलना, और साथ में बंदे लेके चलना, बिना बंदों के कुछ नहीं होगा यहाँ। यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान में चले हुए हैं, ये देखो आसपास कुछ नहीं है, ये सामने चौकी है इंडिया की, वो सामने इंडियन आर्मी बैठी है, और इस पहाड़ की पिछली तरफ आई थिंक चाइना है। यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि रेगिस्तान में हम चल रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं, कुछ नहीं, खाली भाई बिल्कुल। तो भाई ये है तसागला, तसागला है ये पास, हाई पास कहते हैं इसको, यहाँ से एयरपोर्ट बन रहा है, और यहाँ से यहाँ होती है एंट्री, ये एंट्री करा के फिर आगे जाना होता है। यहाँ देखो बाइकर्स कितने सारे खड़े हैं, इतनी खाली सी जगह पे ना ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं होगा, बट देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो कितना सही व्यू है यार, है ना, वाह। बाहर से दिखाता हूँ यार, अंदर से तो वाइपर बजेगा अभी। ये हानले, ये नेओमा हनले जाने वाला
ये रोड है, ठीक है जी, आपने जैसा कि देखा व्यू में, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज बन रहा है, सोचने की बात है। सो इसका मतलब ये रोड बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम पे। सो आज हल्ले में हम करेंगे मजे स्टार ग्लेजिंग, क्या कहते हैं, स्टार ग्लेजिंग सही बोला मैंने मतलब चलो शुक्र है कोई तो इंग्लिश का वर्ड सही बोला मैंने। वन व्हीकल एट अ मोमेंट। सो बहुत अच्छा यार यहाँ पे, बढ़िया है। चुशुल में बेसिकली आ गए थे सिग्नल्स, वहाँ पर सबने अपने फ़ोन चलाए, ठीक है। उसके बाद वॉर मेमोरियल देखा, जैसा कि आपको दिखाया ही है ब्लॉग में, और उसके बाद अब ये लेक हमने न्यू देखे है। तो कहाँ है, कौन बोल रहा है भाई, देख लो यार इनको नहीं अटेंड है यार, पता नहीं यार इन्हें दिख कैसे जाता हूँ मैं। ये देखो भाई व्यू, ये देखो भाई क्या व्यू है, रेगिस्तान पहाड़ का और बीच में पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल, बढ़िया बढ़िया, अमूल दूध, अमूल की छास, कुछ भी दे दो पीने को हमें, अब नहीं आ रहा मन हमारा बाज। ये दृश्य तो बहुत सुंदर है, बट ये किधर है, दुंगटी इधर जा रहा है जी, दुंगटी इधर हनले, बाकी बोर्ड में पढ़ लेना, इधर नेओमा, ठीक है जी। बड़ा ही सुंदर व्यू आ रहा है जी, बड़ा पक्का रोड बड़ी मुश्किल से मिला है, बस थक गए थे अब तो। 5 to 5.4 किलोमीटर, ये क्या है 5 to 5.4, जाके देखना पड़ेगा, आर्मी बेस कैंप ही लग रहा है यहाँ पे भी, बट रोड पक्का हो गया यार, बस खुशी की बात तो ये है हमारे लिए भाई। इतनी सुंदर जगह है हनले, आप अगर आओगे सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपको दिखाऊं एस्ट्रोनॉमी ऑफ इंडिया, ये पॉइंट है, रात को स्टार ग्लेजिंग वगैरह वाला क्या सीन है, कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा, बट अभी हम अपने कैंप में हैं और जाएंगे। मैं तो आते ही सो गया था यार, सो के अभी उठाऊँ, उठ के अब निकलेंगे मोनेस्ट्री जाएंगे, मोनेस्ट्री में सनसेट होने वाला है, तो सनसेट देख के आते हैं, आओ चलते हैं देखते हैं कैसा सनसेट होता है, दिखा के लाता हूँ आपको। पर मोनेस्ट्री वो वहाँ पे है और सूरज मुझे लगता है जा चुका है, हमें सनसेट देखने को नहीं मिलने वाला, बट चलो मोनेस्ट्री तक तो चलते हैं, रोड कच्चा ही है सारा वहाँ तक जाने का, बस लोकल भागे हुए भाई, लोग ना बहुत भागे हुए, आए जाए दाएं दाएं चला हुआ है भाई कच्चे पे भी भाई। यहाँ पर है वाटर क्रॉसिंग, अगर आपको आना है तो वाटर क्रॉसिंग से होके आना पड़ेगा, ये रहा वो वाटर क्रॉसिंग जहाँ से निकलना पड़ता है, और ये रही तेज भैया, बहुत थके थके लग रहे हैं, सोएंगे तो सेट होएंगे, सही है चलो जी। और यहाँ पे सनसेट हम देखने आए थे वो तो हमें मिला नहीं, आयुष भाई ने ड्रोन उड़ा दिया, ये रहा ड्रोन, नीचे भी बत्ती जलती है इसके, चलो जी। हाँ इससे क्या होगा, करो सब लोग आ रहे, चलो 3 2 1 जा रहा है ये, ये बाय हमारी हो गई, मौत हो गई बाय, अब भी दिख रहे हैं जी, सारे शॉट रील्स में देखे थे, हाँ जी रील्स में देखे थे, नहीं नहीं ये नहीं, इसकी वो जो ऐप नहीं आती है उसमें वो ट्यूटोरियल सीखे मैंने, वाह जी वाह, ये सेम शॉट मैंने 7 साल पहले किया था प्री वेडिंग शूट पे, ये बढ़िया लूंगा देखना, ऊपर तक ले जाऊंगा पूरी वैली तक भाजी, इधर वो तो नहीं है कोई चक्कर ऊपर उठाने का, नहीं देखो आर्मी का ही होगा, पता नहीं कितना चक्कर, लाइट बंद कर दो, पता लगे हो गया, नहीं लाइट ऑन रखनी थी यार, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बड़ा उत्ते चला गया यार, एडा उत्ते तो दिसना भी कुछ नहीं, अब जीपीएस पे डालो, मैंने डाला जीपीएस पे उठता भाई, भाई रडार पे कोई ना कोई तो एमए पंगा ना मारे, हां उतार लो, उतार लो चलो बस 300 मजे हो गए, मैं खिलौना था 300 मीटर तक चला गया ऊपर, नोटिस नोटिस तो हो गया होगा जी, उतार लो अब नीचे भी ऐसे लाऊंगा, आ जाओ जल्दी ले आओ, चलो नीचे भी ले आओ भाई ऐसे ही, चलो आने दो, हम वाटर क्रॉसिंग करने लगे हैं, उन्होंने पूछो बनाए उनको
ਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। आयुष भाई के पीछे गाड़ी चलाने का नतीजा ये रहा। पत्थर देखो कहाँ आके बजा, पूरी गटी कर गया अंदर तक। आयुष भाई को दिखाते हैं, चलो चल के एक बार अंदर। ये पूरा है। चलो चलो करो, चलो जी स्पीड बल्ले में ऐसे डीजल डालना पड़ता है भाई। अबे अपना बैकअप ले लिया ना, आओ तो अगर निकला जाना है तो। सही बात है, चार पांच लोग चाहिए। 300 मोरी भाई, बाहर गिरा, बाहर गिरा, ऊपर ऊपर कम कम टेटा करो। अब नीचे को भाई, भाई मोटर ऊपर ऊपर ले। अबे लागी मोटर, अबे ये तो भैया रुक जाओ, ये नीचे जा रहा है। अबे डल गया यार, करो करो ऊपर करो, दूध ला दो पाइप, दूसरी गाड़ी में भी डालना है। हाजी हवा लेने दो, एक बार बाहर निकाल दो। हां निकाल लो, हां हवा लेने दो, ये तो स्टब स्लो जा रहा है अभी, कर लो। ऑटो कट हो गया शायद, नहीं नहीं डूब गया। हां ये क्या किया लो भाई, क्या कर दिया, फनल फंसा दिया इसमें। अयान भैया यार, अयान यार ऐसे क्यों करते हो यार आप? अब इसमें कपड़े आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे भैया। हाँ जी भैया, ये भी इस वैसी है भाई, ये तो है, ये भी सेम है भाई। वो देखो ऐसा जाता है ना, फंस गया भाई ये। नहीं नहीं निकल गया, निकल गया। आ रही है भैया, आ रही आ रही है, आई बाहर थोड़ी सी, थोड़ा और लो। पाइप गया, फक लाइट करना, वो पाइप रहेगी भाई अंदर। ये कैसे निकलती है भाई? पाइप लग गया यार, मिस्त्री गया बार बार। नहीं मैंने कहा लगा है, ये तो कांड हो गया। हमने तो कुछ नहीं किया था, ऐसे पकड़ा था ढीला। पाइप कहाँ है? अंदर फंस गई। ऐसी फंसी रहेगी, घर जाके निकाल लेंगे, वही करेंगे और क्या। यार बड़ा पंगा है यार साला, ये ना बहुत पंगे हैं साले। डीजल डीजल वाले ना प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ये हम कर तो जुगाड़ ही रहे हैं। यार था तो बढ़िया वो, बस बस भाई यार था तो बढ़िया ये, पर टूटा कैसे समझ नहीं आया। या तो इसमें प्रेशर बन गया पाजी इसमें पूरा। नहीं नहीं इसके ऊपर ही छोड़ दी कैन पूरी, वो दब गया जाके फंस गया नीचे। नहीं कैन तो इस पे रखी नहीं हमने, कैन नहीं रखी इस पे हमने, वजन तो नहीं दिया, वजन बिल्कुल नहीं दिया, हमने खुद डाला भी अपनी गाड़ी। कोई नहीं यार, अब तो टूट गया यार, दिखाओ तो सही। ये कोई दिक्कत थोड़ी, पाइप तो सीधी है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। डालो तेल डालते हैं पहले। हाँ ब्लॉक नहीं है, तेल डालते हैं पहले। अब उठाओ एक तो, एक अब तो हल्का है। ग्रह आयुष भाई टक्कर दे भाई, जिसमें हाथ लगा दो ना उसी के नाश हो जाता है। ये डीजल बचा है कि पानी बन चुका है। भाई के तो फूफ ही लग गया। भाई बच रहा था ना, ये स्मेल जाई। मैंने टॉर्च पकड़ लिया, टॉर्च फिर भी यार रुका नहीं, मैं हटा नहीं, हाथ भी डाल दिया, गीले भी कर दिया और वो खीर गाल भी दी। जिस हिसाब से हमें वेस्टेज लग रही थी, साफ किससे करने वो बताओ। मिट्टी निकालो पहले, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, ये मिट्टी यहाँ पे ना इस गाड़ी नीचे। कुछ नहीं किया आएगा, आवाज आ रही गुड़ गुड़ की। नहीं नहीं अपन डालो इसमें, फुल हो गया आपका। फुल हो गया, हाँ जी डाल लो भाजी। और क्या डालो? और ये ओवर में, ये तो ओवर में चला गया है, ओवर में चला गया। पकड़ो जरा, हाथ पकड़ो यार। ओवर से तो सेट आ जाएगा उसमें क्या है। नहीं नहीं ओवर से तो आ जाएगा, हवा ले जाएगी। डालेगा कितना इसमें? उसके पास ही करो पाजी। ओ और टैंक कौन सा है जो लीक हो रहा है? काले वाला छोटा। फिर क्यों डालना अभी, ओवर हो रहा है तो। ओवर नहीं, ये चला गया ओवर वाले में प्रेशर ना के। पाइप तो बचा हुआ इसमें है, ये वाला। हाँ ये हिलाना एक बार, हिलाना किसको? गाड़ी को लाओ, पास करना। नहीं दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा। अभी और डाल रहा है और पाजी। सो भाई लोग, हर तरह के ड्रामे हमारे साथ हो चुके हैं। ये जिमनी का शीशा देख लो, और हनले में अब बस रात को तारे दिख जाएं जो देखने आए हैं। दिन में तो तारे हमने देख लिए गाड़ियों से। सो भाई हनले का ज्ञान ऐसा है कि डीजल अगर लाना है कैरी करके तो डीजल भरने वाला भी ले आना, जो हाथ से घुमा के डीजल आराम से डल जाए, कपड़ों में डीजल ना जाए, क्योंकि कपड़ों में गई डीजल की स्मेल नहीं जाएगी। सो ये तो भैया देखो जिम में है, मतलब खुद का ही जिम है भैया का, तो फेस एक मोहाली में, तो और भैया बॉडी बॉडी अच्छी खासी है, तो भैया जोर लगा पा रहे हैं। हम जैसे गरीब बंदे तो तीन तीन लग जाएंगे तो डीजल डलेगा, है रमन? सही गल है।
ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪਾਈਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੀ ਭਈਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਕਿਆ ਹੋਆ, ਸਟੋਰੀ ਬਸ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡੱਲਾ, ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਆਪਕੀ? ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ? 30 ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਰੀ ਕੈਨੀ ਕੈਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਾ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਯਾਰ। ਖੋਲ ਦਿਆ ਮੈਨੇ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।